ताज टेंट हाउस के मालिक पर हुए जानलेवा हमले का मास्टरमाइंड आमिर उर्फ बर्फ लगभग 29 दिन बाद तलैया पुलिस के हत्थे चढ़ा। आपको बता दें कि 3 दिसंबर भर के दिन भोपाल के इतवारा में टेंट हाउस संचालक पर हुए जानलेवा हमले का मास्टरमाइंड आमिर बर्फ लगभग 29 दिन बाद तलैया पुलिस के हत्थे चढ़ा। शेष आरोपी पहले ही तलैया पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जा चुके हैं। बता दें कि पैसे के विवाद के चलते आमिर बर्फ द्वारा नसीम और बन्ने का एवं उसके साथियों को सुपारी देकर टेंट हाउस संचालक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद से ही पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा था। लंबे समय से फरार आमिर बर्फ 29 दिन बाद भोपाल वापस आया तो मुंगेर द्वारा सूचना मिलने पर तलैया पुलिस द्वारा घर के पास से ही उसको ग्राफ्ट में लिया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। संवाददाता अमृता शर्मा की रिपोर्ट। इसको परसों मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, घर के आसपास देखा गया है, घेराबंदी करके इसको पकड़ा, गिरफ्तार किया प्रकरण में, इसे पुलिस रिमांड लिया गया, पुलिस रिमांड पर है, अन्य साथी फरारों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, पूछताछ के दौरान एक और बदमाश पप्पू झटके का भी नाम आया है? नहीं, पप्पू झटके का कोई नाम नहीं बताया उसने। पप्पू झटका इसमें है भी नहीं है। हाँ, पप्पू झटका बदमाश है, उसकी अलग तलाश की जा रही है।